हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड, जैसे कि आपने फ्रंट फर्स्ट में वीडियो में देखा कि हमारा जो है ब्लिंकर का जो लाइट है वो बहुत ही कलर चेंज हो चुका है, गुलाबी कलर का जल रहा है। तो मैं आज इस वीडियो में इस TVS राइडर में ब्लिंकर का जो LED ब्लिंकर में जो लाइट ख़राब हो गई है तो आप इसमें LED लाइट कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। तो हमारा जो है LED लाइट बाइक गिरने की वजह से ये इसमें जो लाइट लगी हुई पहले से डिम वाली वो लाइट हमारा ख़राब हो चुका है और इसमें LED लाइट इंस्टॉल करेंगे, वो भी एक नॉर्मल LED लाइट इंस्टॉल करेंगे 12 वोल्ट की। तो चलिए फ्रेंड, उस LED लाइट को कैसे इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, जो इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेड सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के और ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप देख पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए, मैं यहाँ पर TVS राइडर में जो हमारा गाड़ी है उसमें लाइट को हटा के वो लाइट को लगाऊंगा ताकि गाड़ी उड़ी गिरे तो लाइट ख़राब ना हो जल्दी। और LED लाइट है जो 12 वोल्ट की, वो ख़राब जल्दी से नहीं होगी। मार्केट में जल्दी वो लाइट आपको मिल जाएगी फ्रेंड, अगर नहीं मिलती तो उसके जगह कोई और लाइट आप इंस्टॉल कर पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए, मैं आपको दिखाते हैं कौन सी मेरे पास लाइट है जो मैंने लगा। सेम कुछ इस तरीके से लाइट आपको मार्केट में ढूंढना है, अगर सेम लाइट मिल जाती है तो इजीली आप इंस्टॉल कर पाएंगे फ्रेंड, अगर कुछ अलग भी मिलती तब पर भी इंस्टॉल कर पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए, मैं आपको कुछ इस तरीके से इसमें लगाया हूँ और पीछे साइज में गोल कटिंग किया हूँ जो कि आगे वीडियो में दिखाऊँगा। और देखिए, कुछ इस तरीके से लाइट हमारा चल रही है फ्रेंड, और बहुत ही काफ़ी लाइट और बहुत ही काफ़ी शानदार लाइट देखने को मिला है मेरे को फ्रेंड। और कोई एक लो मतलब जो नॉर्मल ब्लिंकर हम लोग खरीद के लगाते हैं गाड़ी में उससे बहुत ही ज़्यादा लाइट है फ्रेंड, जिससे कि देखने में यूनिक और बहुत ही बेटर लगने वाली है फ्रेंड। तो ये हमारा एक अपना एक्सपीरियंस था और अपने से LED लाइट लगाया हूँ और ब्लिंकर का मॉडिफाई हमने किया हूँ फ्रेंड। अगर आपको भी करना है तो इजीली आप इस तरीके से लगा के कर सकते हैं अपना राइडर में या किसी भी बाइक में, अपनी बाइक में इस वाले ब्लिंकर को लगा सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए ख़राब जल्दी से नहीं होगी, ना ही ज़्यादा गर्म होता है, ना ही ज़्यादा कुछ हीटिंग है, नॉर्मल हीटिंग है। लेकिन ब्लिंकर कितना देर तो जलता है फ्रेंड, थोड़ा सा तो देर जलता ही है। तो चलिए, यहाँ पर इसको गोल कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद इसको मैं आपको लगा के दिखाते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 3 LED लगी हुई और एक रेजिस्टेंट के थ्रू लगी हुई जिससे कि 12 वोल्ट के थ्रू जलती है, और रेजिस्टेंट कटना नहीं चाहिए नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, मैं यहाँ पे कुछ कटिंग कर रहा हूँ गोल से। तो चलिए, हमारा एक कटिंग हो जाता है फ्रेंड, थोड़ा सा फास्ट कर लिया हूँ वीडियो को मैंने। चलिए फ्रेंड, हमारा जो है लगभग कटिंग हो चुका है और थोड़ा सा और बचा हुआ कटिंग करने के लिए, थोड़ा सा और कटिंग कर लेते हैं। और आपके पास कटर होना चाहिए, किसी की और भी मदद से आप इसको कटिंग कर सकते हैं फ्रेंड, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, हमारा एडजस्ट हो चुका है लगभग, और यहाँ से दो कनेक्शन को निकालेंगे फ्रेंड और इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, हमारा जो है लगभग कुछ इस तरीके से लग चुका है और यहाँ पे सोल्डरिंग करके वायर निकालेंगे। तो दोनों इंडिकेटर में और चारों इंडिकेटर में इसी तरीके से लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे दो ही इंडिकेटर में लगाऊंगा क्योंकि हमारे पास ये जो सेम कलर की लाइट है वो हमारे पास दो ही टू थी फ्रेंड, तो इसलिए मैंने दो टो का इस्तेमाल किया हूँ फ्रेंड। और इसको भी कुछ इसी तरीके से कटिंग करके लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा जो है एडजस्ट हो चुका है ये भी, और दोनों में सोल्डिंग करके लगा लेते हैं और इजीली अब इसको आसानी तरीके से कर पाएंगे फ्रेंड।
तो हमारे चैनल पर न्यू है फ्रेंड, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहती है। और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड, जहाँ तक होगा वहाँ तक मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से। और देखिए नहीं जला, अब लाइट इसका कनेक्शन चेंज करते हैं। और देखिए हमारा जो लाइट जल चुका है, और दोनों को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं फ्रेंड। माइनस प्लस का छोटा सा वायर निकालेंगे, ज़्यादा लंबा तो फ्रेंड ज़्यादा लंबा वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा वायर निकालेंगे। माइनस प्लस को देखते हुए यहाँ पर जोड़ लेते हैं। और ये हमारा कनेक्शन जुड़ चुका है फ्रेंड। और चलिए सेकंड एलईडी का भी कनेक्शन जोड़ेंगे, और यहाँ पे एम सेल की मदद से चिपकाएंगे फ्रेंड। तो एक और एलईडी को भी सोल्डरिंग कर लेते हैं फ्रेंड। पहले इसको चेक कर लेते हैं कैसा जल रही है। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही मस्त क्वालिटी में जल रही है फ्रेंड। लुकिंग इज गुड। तो आपको कैसा लग रहा है वो आप कमेंट करके नीचे में बताएं फ्रेंड। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, जहाँ आपका मर्जी। और नहीं तो आप अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं फ्रेंड, आपकी मर्जी। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे इसमें भी दो लाइट एलईडी लाइट को सोल्डरिंग कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से इसको भी लगा पाऊँ। तो चलिए यहाँ पे दो कनेक्शन को सेम कुछ उसी तरीके से लगा लेते हैं, माइनस प्लस को देखते हुए। तो प्लस को प्लस में और नेगेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव जो है सही से कनेक्शन कर लेंगे फ्रेंड। इसलिए यहाँ पे कनेक्शन हो चुका है, और दोनों लाइट को इजीली यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, बड़े मस्त जल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए अब यहाँ पे एम सील की मदद से यहाँ पे इसको चिपकाएंगे फ्रेंड। हमारे पास एम सील है, तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे एम सेल को मिला लेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद यहाँ पे चिपका देंगे ताकि एलईडी लाइट हमारा जो यहाँ से गिरे नहीं। तो मैं बाइक में अभी तक लगा के रखा हूँ, मेरे साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया। वीडियो एडिटिंग तो मैंने बाद में करता हूँ फ्रेंड। तो जो भी चीज़ है, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसका 100% ट्राई करता हूँ, उसके बाद ही आपको वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ फ्रेंड। तो चलिए हमारा कम्प्लीट हो चुका है, इसको कुछ इस तरीके से चिपका देंगे फ्रेंड, और ऊपर से भी चिपका देंगे, पूरी तरीके से सील हो जाएगा। उसके बाद में भी अगर आप निकालना चाहें तो एम सील जो इजीली आपका निकल जाएगा फ्रेंड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ऊपर से भी इसको लगा देते हैं पूरी तरीके से सील, और ये भी हमारा सील हो चुका है। एक और इसको भी सील कर लेते हैं कुछ इसी तरीके से एम सील से, और बहुत ही मस्त क्वालिटी में आपका जो है सील हो जाएगी। उसके बाद इसको इजीली बाइक में लगा के आपको दिखाते हैं फ्रेंड। और आप अपना बाइक में भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत ही मस्त है। और इसके लिए कोई मिस्त्री और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में एक सोल्डिंग आयरन और एक तो कुछ नॉर्मल जुगाड़ से भी आप इसको कर पाएंगे फ्रेंड, जैसे कि मैंने इसको किया है। हमारा तो शौक है फ्रेंड, लेकिन आप तरीका देख लिया उस हिसाब से आप अपना कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे टीवीएस राइडर में मैं आपको न्यू एलईडी लाइट ब्लिंकर इंस्टॉल करके दिखाते हैं, उसी एलईडी ब्लिंकर में एलईडी लाइट को मॉडिफाई किया हूँ फ्रेंड। तो चलिए इसको काटिंग कर लेते हैं, और दो वायर को जोड़ेंगे, ये वाला एलईडी लाइट को हटा देते हैं, ये वाली लाइट को जो पहले वाली डिम वाली हैलोजन लाइट। तो यहाँ पर लगाएंगे एलईडी लाइट, इसको भी क्लिप रखे रहेंगे, बाद में कहीं आपको नहीं अच्छा लगा तो बाद में भी लगा सकते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पे एलईडी लाइट को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, और आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं फ्रेंड। तो चलिए दो वायर को यहाँ पे इजीली जोड़ लेंगे माइनस प्लस को देखते हुए। तो मैंने यहाँ पे सेम वही किया हूँ, माइनस प्लस को देख के यहाँ पे जोड़ लिया हूँ, और ब्लिंकर को जला के देखा हूँ, ब्लिंकर जल रही है तो ठीक है, नहीं जल रही है तो फिर कनेक्शन को चेंज करेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। तो चलिए हमारा जो है कनेक्शन जुड़ चुका है,
और यहाँ पे टेपिंग भी कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे टेप लगाते हैं। ये अच्छे तरीके से टेप लगाएंगे ताकि शॉर्ट ना हो, शॉर्ट होने से दिक्कत है फ्रेंड, गाड़ी में भी कुछ हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे अच्छी तरीके से टेप लगा लेते हैं। और टेप लग चुका है फ्रेंड, और मैं यहाँ पे पूरी तरीके से इसको लगा लेते हैं और आपको जला कर दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड हमारा जो इंस्टॉल हो चुका है स्क्रूब भी मैं लगा लूँ। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ ब्लिंकर, देखिए कितना मस्त जल रही है। नाइट वाला भी सीन आपको दिखाऊँगा। तो चलिए फ्रेंड इसको दिखा लगा लेते हैं पहले से। सेकंड वाली वायर में भी, सेकंड वाली ब्लिंकर में भी सेम वही कनेक्शन करना है फ्रेंड, ताकि अच्छी तरीके से हो पाए। तो चलिए फ्रेंड सेकंड वाली भी मेरा कनेक्शन हो चुका है और इसको भी टेपिंग कर लूँगा। उसके बाद मैं आपको इसको भी जला के दिखाऊँगा। यहाँ पर टेपिंग करना ज़रूरी है, सिंपल सा दो वायर मैंने यहाँ पर जोड़ा हूँ और हमारा जो है टेपिंग भी हो चुका है और लगा भी लिया हूँ। और देखिए फ्रेंड ब्लिंकर कितना मस्त चल रही है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड आपको नाइट में दिखाते हैं कैसा ब्लिंकर जलती है। कुछ इस तरीके से हमको ब्लिंकर देखने को मिल रहा फ्रंट में, बहुत ही यूनिक लग रहा। तो चारों ब्लिंकर में आप लगाएंगे फ्रेंड तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगने को मिलेगा, देखने को मिलेगा फ्रेंड। और देखिए रात के समय में मैं आपको ब्लिंकर जला के दिखाना कितना, बहुत ही ज़्यादा लाइट मार रही है कैमरा में, बहुत ही ज़्यादा लग रही है फ्रेंड। और ये देखिए पूरे अंधेरा है लगभग, थोड़ा बहुत कहीं खम्भे उम्भे की लाइट जल रही है और लाइट जो है बहुत ही मस्त और अच्छी तरीके से यहाँ ब्लिंकर दिख जाएगी आदमी को। तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक था, तब तक के लिए बाय। फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड। और ये डिम वाली लाइट है जो कि बहुत ही कम लग रहा था, और इस लाइट का देखिए ब्लिंकर बहुत ही तेज है।